हिसाब से तो जो मन में ठान है अभी तो वैसे फिलहाल जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा, और अगर होनी चाहिए तो कांग्रेस ही होनी चाहिए। कहीं अगर दंगा होता है तो उसको भी पता है कि मेरा घर बार जाएगा, डर नाम की चीज़ है तभी इतना कंट्रोल है। नहीं यूपी क्या था पहले जमाने में, हर चीज को पता है, हर इंसान को पता है। नमस्कार, इस समय रायबरेली में हो और पांचवें चरण के इस चुनाव को कवर करने की कोशिश लगातार जारी है। इस समय राणा नगर में है, राणा नगर में यह समझने की कोशिश का आखिर में जैसा ये गढ़ माना जा रहा है कांग्रेस का, क्या विकास के नाम पे वोट होगा या फिर परिवर्तन के नाम पे। आधी आबादी की संख्या लगभग ज्यादा, तो हमने शुरुआत की कि आधी आबादी में सबसे कम आधी आबादी के एक व्यक्ति हैं। आपने वोट किया सर? यस। क्या लग रहा है सर? किया है, मोदी सरकार जीतेगी। मोदी सरकार, मोदी भाजपा की चर्चा है आप कह रहे? भाजपा भाजपा किस ना किस आधार पे? हाँ, राहुल गांधी कह रहे परिवर्तन। देश देश का नेतृत्व कैसा है? बहुत अच्छा है सर। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, राहुल गांधी देखिए ना कहाँ से पढ़ के आए। बट इतनी नॉलेज होने के बाद एटलीस्ट उनके पास मैनर नाम की चीज नहीं है, कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है। आप अगर दूसरी कंट्री में जाके हमारी कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, देन यू डोंट हैव अ चांस टू बिकम अ पीएम। उनको कोई हक नहीं बनता कि वो पीएम बने। तुम हमारे देश के अभी गया था ना लंदन में यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उन्होंने क्या बोला, ये होता वो होता है। एटलीस्ट हमारे पीएम जाते हैं वो कहते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता को प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है। आप अगर घर होता है, घर के अंदर की बात घर में होनी चाहिए, घर के बाहर नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। कोई भी इंसान हो, आपके घर की लेडी, आप अपने घर की बात घर के अंदर करेंगे, घर के बाहर करेंगे? वो हमारे घर का मामला है, वो हम देखें। घर में अगर कमी है तो बोलना नहीं पड़ेगा उसके बारे में, तो घर के अंदर बोलो ना। आपके घर का मैटर, आपके घर के मैटर है। आप घर पर जाके बाहर जाके गाओगे तो क्या होगा बताइए मुझे, सॉल्व हो जाएगा? बताइए, बिगड़ेगा ही मामला? सॉल्व होता है घर के अंदर का, घर की होती है तो वो मामला सुलझता है। अगर आप बाहर लेके जाते हो तो मामला वो और बढ़ेगा, सुलझने के काम नहीं होंगे। और वही हाल उनका है कि डोंट हैव एनी टाइप ऑफ मैनर, किसी टाइप का मैनर नहीं उसके अंदर। कह रहे हैं लेकिन रायबरेली की मांग है वो युवा चाहिए। युवा? 52 साल का कोई युवा होता तो मैं क्या हूँ भाई, मैं भी बच्ची हूँ क्या? मुझे बताइए, मैं बच्ची हूँ, मैं 6 महीने की हूँ। 52 साल का इंसान युवा होता है तो मैं क्या हूँ भाई, मुझे बताइए। लेट मी क्लियर दिस कि मैं क्या हूँ फिर। मैं अगर वोट डालती हूँ, मेरी अगर 24 साल की उम्र है तो मैं क्या हूँ? मैं 6 महीने की बच्ची हूँ, 1 साल की बच्ची हूँ, क्या हूँ मुझे बताइए। नहीं यार, लेट मी से कि 52 साल का इंसान अगर युवा हो सकता तो मैं क्या हूँ? आंटी क्या है फिर? आंटी तो फिर अभी बहुत यंग हुई, आंटी पूरी 30 इयर्स ही हुई फिर तो बता। उनकी सोच इतनी अच्छी है, सोच हाँ, सोच है कि वो आलू से सोना निकालेंगे, वो इधर से लूट के उधर दे देंगे। लाइक हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, नहीं, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। कहाँ से दोगे? अगर एक लिस्ट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको फ्री में देता हूँ कुछ, तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, कहीं ना कहीं से वो आपकी जेब से ही निकलेगा। यही तो मोदी पे भी लागू होता है, जब उन्होंने 5 किलो दिया अनाज दिया, राहुल कहने 10 देंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं नहीं दिया। बात ये 60 साल से चली आ रही सरकार, ठीक है, रिमोट कंट्रोल वाली। अभी हमारी आर्मी धारा 370 हटाने का दम किसी के अंदर नहीं था, उसने हटाया। पूरे देश में शांति के नाम पे कहीं किसी जगह दंगा हुआ, कुछ हुआ? कहीं नहीं हुआ, ठीक है। राम मंदिर जैसा मुद्दा मैं कुछ नहीं जानती उस चीज के बारे में। जो मेरे से बड़े हैं वो ये चीज कहते हैं कि जब भी इस चीज का डिसीजन होता उस दिन यहाँ पे दंगे फसाद कहीं ना कहीं सुने। शांति से डिसीजन है, कहीं एक दंगा, कोई चीख चाख नहीं। आज यूपी में दंगे के नाम से जाना जाता, कहीं अगर दंगा होता है तो उसको भी पता है कि मेरा घर बार जाएगा, डर नाम की चीज है तभी इतना कंट्रोल है। नहीं यूपी क्या था पहले जमाने में, हर चीज को पता है, हर इंसान को पता है। और ये मैं सेफ्टी के नाम, आप निकलती कितने बजे तक निकलती है बाहर? किसी भी टाइम निकलते हैं बिना डर के। मैं सपा सरकार की बात बता देती हूँ, इतना रेप का था, मैं 7 बजे तक भी बाहर नहीं हो सकती थी, मुझे डर, मैं घर से फोन आएगा कि निकल लूँ। आज मैं 9, 9:30, 10 बजे तक भी बाहर हूँ तो हाँ मैं इधर हूँ, आ जाऊंगी, मुझे ये सेफ्टी का है। तो मिल रहा है ना भाई, जब महिलाएं हम आधी आबादी रखते हैं, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें वो मिल रहा है, तो क्यों ना वोट दे भाई। वो चीज मिल रहा है जो राहुल गांधी नहीं दे रहे, जो राहुल गांधी दे रहे वो चीज नहीं मिल रहा है। 8,500 रुपए बैठे उनका मुझे चाहिए भी नहीं, हमको थोड़ा ही चाहिए, लेकिन मोदी योगी जरूर चाहिए।
आज तक तो नहीं है किसी के अकाउंट में डाले, जब उनकी सरकार थी किसी अकाउंट में नहीं डाले। सुरक्षित है सबसे बड़ी चीज, देश वही कह रहे हैं आज तक अभी हर, अब जब मोदी जी ने सबके अकाउंट में पैसा डालना शुरू किया है किसान के नाम से, जो है 6,000 रुपए सालाना आ रहे हैं, तो अब उनकी नकल करी जा रही है कि हाँ हम भी आपको देंगे 1,00,000 रुपए। हाँ, 8,000 रुपए महिलाओं के बारे में सोचा क्या? अभी तक क्यों नहीं सोचा? हाँ। अभी तक क्यों नहीं सोचा? अगर देना ही था तो पहले से देते, जब 55 साल 60 साल से सरकार थी तब तो भूखों लोग भूखों मर गए थे। हाँ। आज के टाइम में कम से कम है हर इंसान पेट भर के खाना खा रहा है। आज के इंसान में कोई रात में सोता है तो है भूखा नहीं सोता है, सबका पेट भरा होता है। आपका क्या नाम हुआ मैम? आई एम साइमा। क्या करती है मैडम? पढ़ाई करती है। इस क्लास में? 12th। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बाहर कैसी है? मेरे हिसाब से तो जो मन में ठाने, अभी तो वैसे फिलहाल जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा, और अगर होनी चाहिए तो कांग्रेस ही होनी चाहिए। कांग्रेस होनी चाहिए। और क्या, बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं होनी चाहिए? बीजेपी बस यही है कि महंगाई, बेरोजगारी, यही सब पे ज़्यादा इशू होता है। एजुकेशन और मेन बात तो ये एजुकेशन पे जो इतना जो पर, वो लगा के रखे हैं, तो वो सब कम होना चाहिए। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है वो सब पे। लग रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं 8,500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, वो दें ना दें, लेकिन बस वो है, उनकी सरकार एक बार बननी चाहिए। इतने साल से वो हैं तो अब उनको हटाकर किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो वो तो लगभग वर्षों तक रहा है उनका पार्टी का। वही तो अब इंसान सारी देन है ना, उन्हीं की है। रायबरेली में जितनी भी फैक्ट्री है जो भी है सब उन्हीं की देन है। इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो सांसद भी नहीं रहे ना यहाँ पे, रहे ना रहे, लेकिन आज जो है रेलवे कोच से लेके एम्स से लेके जितनी फैक्ट्री है हर चीज, और उन्होंने क्या किया, आईटीआई तक बंद करवा दिया। उनकी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। एकदम विकास की धार बह रही है, विकास की धार इतनी बह रही है ना कि देखिए शारदा में सब बही जा रही है, शारदा में सब बही जा रही है, संभालते नहीं संभाल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 किलो अनाज देंगे, तो 5 किलो अनाज ये बीजेपी का? अनाज से हमें कोई मतलब नहीं, अनाज हम दे देंगे, ले लीजिए, ठीक है, हमें अनाज की भूख नहीं है। हम युवा लोग हैं, हम लोगों को एजुकेशन से मतलब है, बेरोजगारी जो है ये खत्म। एंटरप्रेन्योरशिप है आपको आत्मनिर्भर बना रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और बीजेपी तो हम लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। इतनी गुस्सा है? बिल्कुल, पूरी तरीके से गुस्सा है। काहे क्या कर दिया? बहुत कुछ किया है, हम लोगों का करियर पूरा बर्बाद हुआ जा रहा है। पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं, जब देखो जब पेपर लीक हुआ जा रहा है खुद ही वो करते हैं। ये भी कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा इंसान उसको कोई नौकरी नहीं मिले जो किस क्लास तक पढ़ी है? अभी तो मेरा 12th है, आगे का भी सोच के रखे हैं। अगर इनकी सरकार बन गई तो हम लोग का वैसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। हाँ। अगर नहीं बनी तो अच्छा है, तब तो हो ही जाएगा। और जो इंसान सरकार में खूब नौकरी, धर्मवाद कर रहे हैं ये, सिर्फ धर्मवाद कर रहे हैं राम मंदिर को लेके। अरे क्या राम यही लेके आए हैं? पहले से राम नहीं थे? राम मंदिर ताला भी तो बंद था, बंधा, लेकिन गलत चीज है। उनके दर्द है क्या? नहीं, इससे हमें कोई दर्द नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, विकास हो रहा, लेकिन धर्म के नाम पे वोट ना मांगे, ठीक है, काम के नाम पे वोट मांगे, ठीक है। क्यों करते हैं ये, हर एक एक चीज में धार्मिक लड़ाई कर देते हैं, कभी राम मंदिर पे, कभी राम मंदिर पे शुरू कर देते हैं, तो कभी मस्जिद को लेकर शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब, जब इंसान इंसान होता है तो उस पर होनी चाहिए ना इशू, धार्मिक पे क्यों होती लड़ाई? धर्म की तो लड़ाई जी होती क्यों नहीं, धार्मिक पे तो होती है। अभी जो ये राम मंदिर बना उस पे जो फिर उसके पहले कोरोना पे लागू कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो का आदेश था ना, कुछ भी हो, कुछ भी हो, गट तो उन्हीं लोग की सब बैठती ना साथ में, गट तो उन्हीं सब की बैठती है ना। पूछ रहे हैं तो बिल्कुल बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, हम लोग इंडिया के हैं, रहने वाले हैं, तो बोलेंगे नहीं कि सबका साथ सबका विकास कर दिया, सबका साथ सबका नाश, और क्या, बिल्कुल, सबका साथ सबका नाश। वो तो कहते हैं स्वास्थ्य के लिए हमने सबको देखा, हिंदू मुसलमान नहीं किया, बहुत के बहुत। आपको स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना आपका? नहीं नहीं, कुछ नहीं बना मेरा। आपको अनाज नहीं? कोई अनाज तो क्या, अनाज तो हम भी देंगे किसी को, जो है हम भी एक इंसान को 5 किलो दे रहे, क्या उसका चल जाएगा? बंद कर दीजिए अनाज, क्यों बंद कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये एजुकेशन सबसे ही कर दें हम लोग का, और क्या। 10 किलो अनाज दे रहे हैं तो कैसे देंगे? पहली बात तो उनके हमें चाहिए, राहुल गांधी की सरकार चाहिए, बस उन्हीं की चाहिए। मोदी से बैर है या बीजेपी से बैर? किसी से बैर नहीं है, बैर किसी से नहीं है, बीजेपी से बैर नहीं है। मोदी से 5 साल नहीं, 5 साल देखे यहाँ सोनिया गांधी पा गई, माहौल बना है, प्रमाण पत्र लिए नहीं आई, अब हम वोटर ब्रेक मारे यहाँ आ गए, वोटर मांग गए, यहाँ देखो।
आप बताओ, ये सोनिया गांधी आई आए पहले तो नहीं आयु 10 साल से भी कोरोना काल में हमारा पब्लिक कैसे कस नहीं कोरोना जब रहा कोरोना काल में एक बार आई गिलाओ देख आई जब हम पब्लिक कस है कि हमारा जनता कैसे सांसद रहे। परिवार को क्या जरूरत है भाई? अरे परिवार क्यों नहीं है, परिवार नहीं है, 5 साल तुम सांसद रहे हो, तुम कहावे चाहिए वहाँ पब्लिक कैसे कैसे दिया है चाहिए और प्रमाण पत्र लिख कि हाँ चलो देखिए चले हम आवाज वोटे मांग मेरी अभी आ गए फिर वोटे मांगे। क्या करते हैं आप? अरे हम तो यही व्यापार है, अहू का यह व्यापार हमारा है, कह रहे हैं कि भाई साहब यही तो ये काम भी करते हैं। अरे जेका मत जेका कर रहा है, कह रहे हैं बड़ी बेरोजगारी है। कौन बेरोजगारी है बताओ? अखिलेश कुमार, आपने वोट कर दिया भाई साहब? जी। एक बार दिखा दीजिए कैमरे पे जी। क्या मुद्दा रहा सर आपका? ये मुद्दा तो विकास का, इससे ज्यादा क्या, जो 8 घंटे का सफर कर रहे थे वो 3 घंटे में कर रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम क्या बचेगा? हाँ, इसमें भी आदमी को कुछ चाहिए क्या कि 8 घंटे पसीना निकलता था और इंतजार करता था साधन का, अब हर रोड पे झाए से गाड़ियां दौड़ रही हैं और इससे ज़्यादा क्या विकास देखेंगे? और बाकी तो अब और दीजिए आगे, अब जब यहाँ दूसरी गवर्नमेंट रहेगी तो उससे उम्मीद क्या करेंगे? जब ये लाइक भाजपा लाइए और उसके बाद 5 साल देखिए विकास, अगर ना हो तब फिर अगले 5 साल फिर बाद 5 साल बाद फिर आएगा, फिर अगले बार 5 साल और इंतजार कर ले, और क्या 5 साल और इंतजार कर ले। वो भी भाई साहब क्या क्या गए उनकी बात में रखता हूँ, कहता कि आखिर में ये 5 साल राहुल गांधी को क्यों ना दे दिया जाए, रायबरेली के और खास तौर से रायबरेली के बेटे हैं। अरे तो बेटे तो हमेशा ही तो थे, तो क्या हम लोग जिस तरह अभी प्रचार हो रहा है इसी तरह हर साल होता तो ये नौबत नहीं आती इतना प्रचार करने की। भाई हम लोगों को तो नहीं मिले, अभी जब इलेक्शन होता है तब मिलने जाते हैं, मुलाकात होती नहीं तो मुलाकात ही नहीं है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर। क्या माहौल है? बस कांग्रेस है पक्का ठोक के। मोदी से नाराज भी नहीं है, बोल कांग्रेस आएगी। काम किया 10 साल? किया मन का नहीं काम किया। हाँ गड़बड़ रह गया? गड़बड़ का जानते तो है ही हो, महंगाई थोड़ा ज्यादा है। हाँ नहीं धागा क्या खोलेंगे, कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। हाँ। कोई पार्टी से हमसे दुश्मनी ना, राहुल भैया को लाएंगे। हाँ पक्का।